हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे लाइव प्रोसेस के रिपोर्ट। वैसे लाइव प्रोसेस की जब बात करते हैं तो आपके 10th CBSE का एक चैप्टर है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लाइव प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, डिफाइन लाइफ प्रोसेस। तो वेरियस फंक्शंस कैरीड आउट बाय द लिविंग थिंग्स विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो यहाँ से लाइन से एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के विद इन जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जिससे वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाता है, लाइफ को कंटिन्यू कर पाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो अब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड हो गया? फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, फोर्थ एक्सक्रीशन, फिफ्थ मूवमेंट एंड लास्ट रिप्रोडक्शन। तो ये कंसेप्ट होते हैं जो आपको वन बाय वन करके यहाँ पे समझने हैं और सुनने हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। तो बच्चे न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, फूड टेक करता है और फूड के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करता है। तो इसको क्या बोल दिया? न्यूट्रिशन बोल दिया। अब सवाल ये उठता है कि न्यूट्रिशन की नीड क्या है? तो भाई डिफरेंट टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज करते हैं लाइक एनर्जी, तो वहाँ तो यूज़ होनी होनी, ठीक है। हम वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम लर्निंग कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट होता है, चाहे वो मेंटल वर्कआउट हो चाहे वो फिजिकल वर्कआउट हो, तो एनर्जी की तो विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट का जो फर्स्ट वर्क यहाँ पे निकल के आ रहा है एनर्जी प्रोडक्शन। सेकेंड वर्क क्या निकल के आ रहा है? फॉर ग्रोथ। तो अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, ग्रोथ अगर करवानी है, तो न्यूट्रिएंट की यहाँ पर होती है रिक्वायरमेंट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये होते क्या? तो इनफैक्ट न्यूट्रिएंट्स आर द मटेरियल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे? कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगी, फैट होगा, राइट, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे। तो यहाँ पे जो थ्री इंपॉर्टेंट कंटेंट हमने आपको बताए न्यूट्रिएंट्स के, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, फैट की बात करते हैं, ये मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और मेन न्यूट्रिएंट होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। वहीं पे जब हम बात करेंगे अदर्स की, अदर्स मीन मिनरल्स की बात कर रहे हैं, विटामिन्स की बात कर रहे हैं, तो इनका जो अमाउंट होता है ना, इनका अमाउंट जो होता है वो थोड़ा होता है, ट्रेस अमाउंट में जरूरत होती है, बहुत थोड़ा ही अमाउंट इनकी जरूरत होती है। तो इनको यहाँ पे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट बोला जाता है। तो आपके यहाँ पे जब क्वेश्चन बनेगा तो डिफ्रेंशिएट करके बन सकता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो वन लाइन का एक डिफरेंस निकल के आ रहा है, द न्यूट्रिएंट that are required in large quantity, that is carbohydrate, protein and fat are called macronutrient, and those nutrient which are required in small amount, which are required in small amount are called micronutrient. तो micronutrient में कौन कौन से आ रहे हैं? तो micro में आ जाएगा आपका vitamins, clear, और minerals आ जाते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाते हैं। और जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की बात कर रहे हैं, क्लियर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई हो। अब हम चलते हैं न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स की तरफ। तो जैसे कि आप इस पेज में देख पा रहे हैं, टू टाइप का न्यूट्रिशन स्पेशली होता है। न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। अब आपको ये समझना है कि कब ऑटोट्रॉफिक होगा और कब हेटरोट्रॉफिक होगा। व्हेन वी के
वी कैन से दैट न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझना है, व्हेन एवर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन फूड प्रिपरेशन, अगर वो फूड प्रिपरेशन कर पा रहा है तो हमने इसको क्या बोल दिया, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोल दिया। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पे ओन फूड प्रिपरेशन की बात हो रही है, तो प्रिपरेशन कहीं कुकिंग की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे प्रिपरेशन मेथड क्या होगा। तो यहाँ पे जो स्पेसिफाई एग्जाम्पल होता है, ग्रीन प्लांट्स की बात की जा रही है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो दिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज अगर हम कह दें, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होगी तभी तो फूड प्रिपेयर हो पाएगा, तो इसे हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। अब सवाल ये उठता है कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ये होगी कैसे, और फोटोसिंथेसिस है क्या। तो हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन वाइज अगर डिस्कशन करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होगा जहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए लाइन यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, इसमें क्या बोला जा रहा है, प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। फिर से एक बार समझिए, लाइट एनर्जी का चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, सनलाइट तो वैसे भी यूज है, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो हम बोलेंगे इसको फोटोसिंथेसिस। यहां तक की बात समझ आ गई। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, और इसी केमिकल एनर्जी को या केमिकल को यूज करते हैं एज अ फ्यूल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी में यूज करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि प्लांट फूड बना रहा है तो प्लांट नहीं करेगा, प्लांट भी करेगा, एनिमल्स भी करेंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर सनलाइट का चेंज हुआ केमिकल एनर्जी में, तो वो जो केमिकल एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, एटीपी की फॉर्म में स्टोर नहीं होगी, ये बात समझिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ठीक है, स्पेशली शुगर की बात कर रहे हैं, इस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि जब ये प्रोसेस चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग चलेगी ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी होती है रिलीज, लेकिन ये ऑक्सीजन गैस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है, प्लांट का जब एक्सक्रीशन होता है प्लांट में, तो एज अ वेस्ट जो होता है, एक पर्टिकुलर एग्जांपल दीजिए। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है, वैसे तो रेस्पिरेशन पर्पस में यूज आती है, लेकिन यहाँ पे प्लांट के केस में ये ऑक्सीजन गैस एलिमिनेट हो रही है एटमोसफेयर में, और ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में काउंट की जाएगी। यहाँ तक समझ गए। अब फोटोसिंथेसिस क्या करता है, रियल में एटमोसफेयर में ऑक्सीजन के लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये मैकेनिज्म की बात आ गई कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती होगी, क्या मेथड होता होगा। तो क्या बोला जा रहा है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, ग्रीन प्लांट क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ग्रीन प्लांट की वजह से ऐसा है क्या, कुछ और नहीं है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा ग्रीन प्लांट और एल्गी के केस में, यही करता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब। और अगर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो फिर क्या होता है, उसको यूज किया जाता है, क्या करने में, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज करने में यूज में लाया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, एल्गी की बात कर ले, हायर प्लांट की बात कर ले, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल होगा। ठीक, अभी जो एब्जॉर्ब लाइट होगी उसका यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज
ग्लूकोज में चेंज करने के लिए, शुगर में चेंज करने के लिए। अब ऐसा नहीं होता कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही चेंज हो जाएगी, यहाँ पे रॉ मटेरियल वाटर भी यूज में आता है और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकल जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। तो अगर हम प्रॉपर एक इक्वेशन पे आए, जो इस पेज में दो इक्वेशन यहाँ पे नजर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर का यूज किया एज अ रॉ मटेरियल, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज में एक हो गया, और ऑक्सीजन जो होती है एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, एज अ वेस्ट के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाती है। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये सोलर एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल करा पा रहा है। जैसे कि पीछे हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, लाइट एनर्जी को सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। भाई सोलर एनर्जी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं यूज हो पा रही, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में तो यूज हो पा रही, नहीं हो पा रही, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं फूड को प्रोड्यूस करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और जब फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको क्या बोलोगे आप, उनको बोलोगे प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है, इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर की तरह से वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने फूड बनाया, फूड प्रिपेयर किया, और उस फूड को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूज कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए डायरेक्टली यूज करने वाले कौन होंगे, फूड को प्लांट ने अगर प्रोड्यूसर ने प्रिपेयर कर रखा है तो डायरेक्टली यूज करने वाले कौन होंगे, तो हर्बीवोर होंगे। लाइक हम बात करते हैं रैबिट की, ठीक है, रैबिट की बात करिए, या हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, आप काऊ की बात करिए, डियर की बात करिए, बफेलो की बात करिए, गोट की बात करिए, तो ये क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं ना, शाकाहारी होते हैं ना, डायरेक्टली प्लांट यूज करेंगे। और जब इनडायरेक्टली की बात करेंगे तो वो कौन होंगे, वो कॉर्निवोर होंगे, ठीक। अब आते हैं थर्ड वाले पॉइंट की तरफ आते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है इसका एक और यूज है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बिटवीन एक बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना एनवायरनमेंट में, ठीक है। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन इन द एयर। तो कितने वर्क समझ में आ रहे हैं, एक तो ये क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करवा रहा है। सेकेंड थिंग क्या है, ग्रीन प्लांट जो होते हैं इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर की तरह से वर्क करते हैं, फूड प्रिपेयर कर दिया। अभी जो फूड होता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज में आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, O2 और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों में बैलेंस बना के रखता है एनवायरमेंट के विदिन। चलिए ये तो बात हो गई फोटोसिंथेसिस की। तो इस वीडियो को आप कई बार रिपीट करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, नोट्स भी यहाँ पे प्रॉपर लिखे हुए हैं, तो आपको हमें नहीं लगता कोई डाउट आने वाला है या कोई समस्या आने वाली है, ठीक है। ये जो स्लाइड यहाँ पे है बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर है, ठीक है, नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर हैं, ठीक है, इसलिए आप विशेष रूप से इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात आती है स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, तो स्टोमेटा क्या होते हैं बेटा, पोर होता है। क्या होता है? पोर होता है, और इसकी प्रेजेंस कहाँ पे होगी, लीव्स पे होती है, स्टेम पे होती है, ये बात समझ आ रही है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या ये ट्री के स्टेम पे भी होंगे क्या, तो आपका आंसर आना चाहिए नो, ठीक है। जब स्टेम की बात आ रही है तो स्पेशली ग्रीन स्टेम आपको याद होना चाहिए, ग्रीन स्टेम पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर ट्री में अगर स्टेम की बात करोगे तो वहां पे स्टोमेटा नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा, लेंटी सेल मिलेगा, ठीक है। कई बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, उनका क्वेश्चन नहीं आता है कि सर क्या स्टेम पे हमेशा स्टोमेटा मिलते हैं, स्टेम पर हमेशा स्टोमेटा मिलते हैं, नहीं, ग्रीन स्टेम पे ही मिलेगा। और इनका वर्क क्या होता है, ये यूज में लाए जाते हैं कंट्रोल ऑफ द गैस एक्सचेंज के कंट्रोल में यूज में आ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक पोर की, स्टोमेटा की, तो उनकी बाउंड्री को कौन मार्क मेक करेगा, अ पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल, जिनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। अगर इमेज वाइज करके बात करते हैं तो ये क्या हमने ड्रॉ किया, ये गार्ड सेल हमने ड्रॉ कर दी। कैसे नजर आ रही शेप में,
किडनी शेप नजर आ रही है। तो दीज आर द पैरेन्काइमा, स्पेशलाइज पैरेन्काइमा। इनका वर्क होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करना, और इन्हीं को बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। तो दूसरी बात समझ में आ रही। अब होता क्या है, द टर्म ऑल्सो यूज कलेक्टिवली टू रिफर एन एंटायर स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स बोथ द पोर इट सेल्फ एकम्पनिंग द गार्ड सेल। ठीक है, अगर हम पोर की बात कर लें और इन गार्ड सेल की बात कर लें, तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलोगे आप, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन अगर फ्रेम हो किया जाए, राइट द पार्ट ऑफ या स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, गार्ड सेल। क्या बोल दिया, गार्ड सेल। एंड नेक्स्ट पोर, पोर को आप क्या बोलोगे, स्टोमा बोलोगे। स्टोमा और गार्ड सेल दोनों को इंक्लूड करके हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इतनी बात अभी स्टोमाटा पे होती है। अभी जो स्टोमेटा होते हैं, जैसे पीछे अभी डिस्कस करके आ रहे हैं कि ये एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, तो यहाँ पे अपने पास कुछ पॉइंट स्पेसिफाई करके रखे हैं। एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होगी, ठीक है, तो CO2 एंड ऑक्सीजन एंटर द प्लांट थ्रू दीज ओपनिंग। तो जिस स्टोमा की हम लोग बात कर रहे थे, तो जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो CO2 की एंट्री यहीं से होनी है, और जब रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन की एंट्री भी यहीं से होनी है। बात समझ आ रही है, चाहे प्लांट फोटोसिंथेसिस करे चाहे रेस्पिरेशन करे, गैसेस की एंट्री यहीं से होनी है। अगर फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अगर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वो डिफ्यूज भी तो इसी से होगी ना एटमॉस्फेयर में, सेम ओपनिंग से, जिसको क्या बोला जा रहा है, स्टोमेटा बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आपको, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है तो ओ2 की एंट्री स्टोमेटा से होगी, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो CO2 की जो एग्जिटिंग हो रही है, एस्केपिंग हो रही है, बाहर निकल रहा है, तो वो भी स्टोमेटा से ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस हो गई तो एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होगी, तो स्टोमेटा के थ्रू होगी। वाटर वेपर रिलीज हो रहा है ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, तो वो भी कहाँ से रिलीज होगा, स्टोमेटा से रिलीज होगा। तो यहां से ये हमने आपको स्टोमेटा के सिग्निफिकेंस के बारे में बताया। अब चलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या बताया जा रहा है, ये ऐसा न्यूट्रिशन होगा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेडीमेड फूड को लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं होती, इनके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं होती है। बात को समझिएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, एनदर से ले रहा है, फूड बना नहीं रहा है, रेडीमेड फूड ले रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म होते क्या होंगे, क्या ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, क्या ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नहीं। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स आएंगे, लाइक ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स की बात करी, फंजाई की बात करी, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया की बात करी, तो इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा वाला होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो यहां से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में फिर से क्लासिफिकेशन आ गया, थ्री टाइप्स, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। तो थ्री टाइप्स याद करके रखेंगे, सेप्रोफिटिक हुआ, क्या हुआ, सेप्रोफिटिक हुआ, सेकेंड वाला कौन सा हो गया, होलो जोइक हुआ, थर्ड वाला कौन सा हो गया, पैरासिटिक हो गया। ठीक है, तो इन तीनों में ये आपको अभी नेम याद करने, अब इन तीनों के बारे में बताते हैं क्या है। ठीक है, तो अगर हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो रियल में हम हमारा जो माइंड जाता है वो डाइवर्ट होके किस तरफ जाता है, क्या पिक्चर आपको आइडेंटिफाई हो रही है, फंजाई, फंजाई में होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और ह्यूमन के केस में कैसा वाला दिखा रहा है, पिक्चर सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो और एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होगा, ह्यूमन के केस में होगा, मल्टी सेल्ड वाला एग्जांपल है, लेकिन आपके एग्जांपल में आ जाए, एग्जाम में आ जाए यूनिसेल्ड
ऑर्गेनिज्म और होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो आप क्या बताएंगे? बेस्ट एग्जाम्पल होता है अमीबा, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा होगा। इसके साथ और भी होता है, पैरामिशम भी होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम भी ऐसा ही होता है। चलिए अब इनको हम बारी बारी से समझते हैं कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है क्या। तो सबसे पहले जो पिक्चर यहाँ पे नजर आ गई वो एक मशरूम की पिक्चर यहाँ पे नजर आ गई, मशरूम की, ठीक है। मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंगस, और शायद आपने पढ़ा भी होगा। प्रॉपर एग्जांपल की बात कर लें तो हम बात किसके कर रहे हैं, एगेरिकस, एगेरिकस लाइक मशरूम की बात की जा रही है। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में होता यह है कि ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को टेक्स करते हैं बिफोर इनिगेशन ऑफ फूड, ठीक है। अब वैसे हम आपको सिंपल टर्म में कह दें कि भाई जब किसी एनिमल या प्लांट की डेथ हो गई, क्या हो गई, एनिमल और प्लांट की डेथ हो गई, वैसे यहाँ पे ये देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है डेड मटेरियल, तो डेड मटेरियल प्लांट का भी हो सकता है एनिमल का भी हो सकता है, तो उसका डिकम्पोजिशन चल रहा हो, देखिए लिखा है रिमेन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, उसका डिकम्पोजिशन चल रहा हो, तो जब डिकम्पोजिशन चलेगा तो कॉम्प्लेक्स सिंपल में चेंज होगा कि नहीं होगा, और इसी सिंपल को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। तो फिलहाल आपके लेवल पर इतना है, आप आपको उतना ही बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करिए, सभी फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सैप्रोफिटिक काइंड का न्यूट्रिशन होता है, तो इसके लिए करते क्या होंगे, अगर किसी एनिमल प्लांट की डेथ हो गई उस पर अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं फूड के सर्फस के ऊपर, उसके बाद फिर इंगेस्ट कर लेते हैं सिंपल सब्सटेंसेस को। ये बात हो जाती है सैप्रोफिटिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन की। अब देखिए एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फंजाई को आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड का होगा इनगेशन, क्या होगा, इनगेशन, देखिए यहां से आपको आइडेंटिफाई करना है, फूड में इनगेशन होगा नंबर वन, फिर उसके बाद डाइजेशन होगा, नंबर थ्री एब्जॉर्प्शन होगा, नंबर फोर एसिमिलेशन होगा, नंबर फाइव इगेशन होगा। तो दीज फाइव काइंड ऑफ स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन इन होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां से आपके यहाँ ये भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, राइट द फेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेंगे एवरेज द फॉलोइंग या राइट चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टेप्स, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स जो होते हैं उनका राइट ऑर्डर क्या होता है, तो वैसे तो आपके पास सीक्वेंस में नजर आ रहा है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। अब इन्होंने क्या किया, पहला ऑप्शन बनाया, पहले ऑप्शन में क्या कर दिया, इगेशन, ठीक है, क्या कर दिया, इगेशन, उसके बाद फिर क्या कर दिया, डाइजेशन, ऐसे वो सीक्वेंस बना के दे देंगे, तो आपको राइट ऑर्डर वहां पे चूज करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसके बाद फिर क्या मेक हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या आया, इनगेशन। क्या इस सीरीज में आपको फाइव स्टेप नजर आ रहे हैं, उसके बाद फिर क्या हो गया, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। तो इस तरह से ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन तैयार कर देंगे, तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन का जो फ्रेम हमने आपको दिखाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। फिलहाल अगर आपको याद रहेगा, इनिगेशन के बाद डाइजेशन ही आता है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन ही आता है, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन ही आता है, और लास्ट में आता है इगेशन, तो हमें नहीं लगता कि आप क्वेश्चन के एमसीक्यू आंसर को गलत करके आएंगे, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या है, डाइजेशन इनिगेशन के बाद होगा, और डाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है, लिविंग बॉडी के आउटसाइड। लेकिन सैप्रोफिटिक में डाइजेशन कहाँ हो रहा था, आउटसाइड द फंगस, क्योंकि फंगस एंजाइम को सिक्रीट कर रहा था तब उसके बाद चल रहा था, यहां का सीन कुछ अलग ही, यहां बॉडी के अंदर हो रहा है। तो अभी हमने आपको जैसे बताया सीक्वेंस, इनगेशन जिसमें हम क्या करते हैं, माउथ ओपनिंग से फूड को कर लेते हैं रिटेन, फिर डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल में चेंज हो जाएगा
तो सिंपल और सोलेबल न्यूट्रिएंट को ब्लड और लिम्फ में पहुंचाया जाता है, और फिर ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो जब ट्रांसपोर्ट करके आते हैं तो फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे इनको डिफरेंट जो सेल्स होंगी वो क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी बॉडी की। तो ये न्यूट्रिएंट्स होंगे पार्ट बन जाएंगे प्रोटोप्लाज्म का, तो उसको बोलेंगे एसिमिलेशन बोलेंगे। और उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट बचेगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, तो उसका क्या होना है, उसको वेस्ट कर दिया जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट होता है होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पे। अब चलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो आपका ये जो फ्लो चार्ट है जिसमें हर्बीवोर भी आते हैं, ठीक है, जो प्लांट पे डिपेंड नजर आ रहे हैं, कॉर्निवोर भी आते हैं जिस पे वो डिपेंड, किस पे होते हैं, किस पे डिपेंड होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, मतलब एनिमल पे डिपेंड हो गया, ठीक है। जैसे आप पिक्चर की आप देखिए, पिक्चर क्या नजर आ रहा है, जेब्रा, ये तो ग्रास ही ईट करेगा ना, प्लांट पे डिपेंड हुआ नहीं हुआ, तो इसको क्या बोला, हर्बीवोर बोला। वहीं पे दूसरे केस में एनिमल एनिमल पे डिपेंड हो गया, जैसे लॉयन जो होता है घास तो खाता नहीं, वो क्या करता है, या तो डियर को पकड़ेगा या तो रैबिट को पकड़ेगा। लेकिन वहीं पे ओमनीवोर के केस की बात करेंगे तो ये प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड होता है। ये वैरायटी होती है होलोजोइक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक हो गया, सर प्लीज टेल मी हाउ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम जरा चेक कर लेते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता होगा। तो वैसे हम आपने आपको पहले ही बता दिया था कि अमीबा में न्यूट्रिशन का जो टाइप होता है वो कैसा वाला होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अमीबा में न्यूट्रिशन का टाइप कैसा हो गया, होलोजोइक मोड हो गया, ठीक। अब स्टेप्स क्या होते हैं, तो जरा स्टेप्स को हम लोग इमेज से फॉलो करते हैं, इमेज से आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। वैसे यहां पे कोई इमेज नहीं है, हम आपको इमेज ड्रॉ करके दिखाते हैं। देखिए ये पिक्चर किसका है, अमीबा का इमेज है, क्या है, अमीबा। और इस अमीबा में ये क्या पिक्चर नजर आ रही है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब जरा लाइनों पे चलते हैं, लाइनों में क्या दिया है, लाइनों में दे रखा है कि अमीबा सराउंड करता है फूड पार्टिकल को विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया और फूड वैक्यूल बना लेता है। तो अगर सपोज दैट आपकी स्क्रीन पे ये हमने अमीबा ड्रॉ कर दिया और फूड को यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या हो गए, ये तो सोडोपोडिया हो गए ना, और ये क्या हो गया, फूड हो जाता है। बात को समझिएगा, यहाँ पे हम जो आपको बताने वाले हैं इसको बोल दिया फूड, और ये क्या हो गए, सोडोपोडिया हो गए। तो नेक्स्ट फेज में क्या होने वाला है, ये सोडोपोडिया इलार्ज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इलार्ज हो जाते हैं, और फूड जो हुआ यहाँ पे सराउंड हो गया। फिर एक ऐसी पोजिशन आती है कि ये जो सूडोपोडिया होते हैं मर्ज हो जाते हैं। तो अब जरा मर्जिंग वाली पोजीशन को देखिए आप, ऐसे ही हमने आपको ये मर्जिंग वाला सिचुएशन दिखा दिया। तो ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये यहाँ पे फूड कैप्चर हो गया, इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे फूड वैक्यूल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल, ये जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, बात समझ आ गई। चलिए अभी जो फूड वैक्यूल होती है उसके अंदर फूड पार्टिकल वाटर के साथ होगा, डाइजेशन भी यहीं पे हो जाएगा। लेकिन डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर तो हो रहा है, लेकिन एंजाइम्स कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए क्या होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा, यहाँ पे कवर करेगा। उसके बाद लाइसोसोम क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को डिस्चार्ज कर देते हैं उसी फूड वैक्यूल के अंदर। फूड डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और फाइनली क्या होता है, ये जो वैक्यूल थी जिसके अंदर वेस्ट बचा हुआ था अनडाइजेस्टेड फूड, ये एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये प्रोसीजर हो गया। अगर प्रोसीजर आएगा तो आप इन लाइनों को लिख देंगे और डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। अब आते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की तरफ। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये भी एक टाइप होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही, अ काइंड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, अ काइंड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दैट केस ऑर्गेनिज्म लाइव ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड, या तो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट की बॉडी के सरफेस पे रह रहा है या बॉडी के अंदर रह रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, पैरासिटिक बोलेंगे।
जैसे आपके यहाँ पे अगर एनिमल की बात करिए तो आप 9th स्टैंडर्ड पढ़ के आ रहे हैं एस्केरिस, पढ़ के आ रहे हैं। तो एस्केरिस जो होता है वो इंटेस्टाइन के विदिन, इंटेस्टाइन के विदिन सरवाइव करता है और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं एस्केरियासिस। क्या बोलते हैं? एस्केरियासिस। तो क्या हो गया ये? एंडो पैरासाइट। क्या हो गया? एंडो पैरासाइट कर दिया है। बात समझ आ रही? तो फूड तो रिटेन करेगा ही करेगा, जो भी हम लोग फूड रिटेन कर रहे हैं डाइजेस्टेड फूड उसको रिटेन कर रहा है, बदले में प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है ना। तो पैरासाइट जो होता है वो न्यूट्रिशन डायरेक्टली ले लेता है होस्ट से। ये तो एनिमल वाली बात कर ली। ऐसे ही प्लांट के केस में एक और एग्जांपल होता है कस्क्यूटा। है ये प्लांट, लेकिन प्लांट है ये पैरासाइट। प्लांट क्या है? ये पैरासाइट प्लांट हो गया, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो सिंस दीज पैरासाइट ड्राइव दियर नरिशमेंट फ्रॉम दियर होस्ट, दिस सिम्बियोटिक इंट्रैक्शन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड हार्मफुल टू होस्ट। तो यहाँ पे दोनों के बीच एक रिलेशन बन रहा है, लेकिन ऐसा रिलेशन हमेशा होस्ट के लिए कैसा होता है? हार्मफुल होता है, वो कभी भी बेनिफिशियल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे जो सिम्बियोटिक टर्म दे रखा है वो गलत दे रखा है। रिलेशनशिप बन रही है लेकिन रिलेशनशिप सिम्बियोटिक वाली नहीं है, पैरासिटिक वाली है। तो पैरासाइट जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं होस्ट के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। जब तक होस्ट सर्वाइव कर रहा है तो ये भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अगर होस्ट की हो गई डेथ, क्या हो गई? डेथ हो गई, तब थोड़ी ना पैरासाइट सर्वाइव कर पाएगा, फिर तो उसको दूसरा होस्ट ढूंढना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो डिपेंडेंसी यहाँ पे दिख रही है ये रियल में एक तरीके का सर्वाइवल होता है, ठीक है, पैरासाइट का सर्वाइवल ऑन दी होस्ट। अब यहाँ पे टाइप्स की बात की गई, तो पैरासाइट जो होते हैं वो दो तरह के हो गए। पैरासाइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर है, इनसाइड है, बॉडी के इनसाइड है। एक्टो पैरासाइट जो बॉडी के आउटर सरफेस पे होंगे, जो आउटर सरफेस पे है उसको एक्टो पैरासाइट बोला, और बॉडी के जो अंदर है उसको एंडो पैरासाइट बोला। ये तो कंसेप्ट है ना। तो ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ द एंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट, दे रिक्वायर डिफरेंट एडॉप्टेशन इन ऑर्डर टू एक्वायर नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट फ्रॉम दियर होस्ट। तो एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट, चलिए ठीक है, बात समझ आती है, लेकिन फिर भी इनको होस्ट के साथ रहने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एडॉप्टेशन अपनाने पड़ते हैं। अब वो एडॉप्टेशन क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एस्केरिस, तो एस्केरिस की बॉडी पे क्या मिलती है? कवरिंग। कवरिंग किसकी होगी? क्यूटिकल की होगी। तो नेचर ने क्यूटिकल क्यों दिया? कहीं ऐसा ना हो कि एंजाइम डिस्ट्रॉय कर दे इसको, तो इन एंजाइम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। एंजाइम के अगेंस्ट प्रोटेक्शन कहाँ से आएगा भाई? क्यूटिकल से तो आएगा ना। तो ये एडॉप्टेशन है, बात समझ आ रही? ऐसे ही टीनिया, टीनिया नेम आपने सुना होगा, टीनिया। तो टीनिया में हुक्स होते हैं कि नहीं होते? कितने बच्चों को पता है हुक्स? और सक्कर्स होते हैं, सक्कर्स। तो हुक्स और सक्कर्स की वजह से टीनिया जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेंगल्ड रहता है, स्टेब्लिश करता है अपने सर्वाइवल को, नहीं तो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ बाहर निकल जाए, ये एडॉप्टेशन है। चलिए इतनी बात हो जाती है टाइप ऑफ पैरासिटिज्म से। अब आपके पास एग्जाम्पल आया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, एंडो पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट, क्योंकि कस्क्यूटा की जो पार्ट होते हैं वो प्लांट के अंदर इंटर कर जाते हैं। वहीं पे एक्टो पैरासाइट की बात करेंगे तो ये क्या होगा? मॉस्किटो। कैसा होता है? एक्टो पैरासाइट होता है, स्किन पे बैठ के ब्लड सक करके चला जाता है। लेकिन कस्क्यूटा की जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो प्लांट के टिश्यूज के बिटवीन, सेल के बिटवीन तक इंटर कर जाते हैं, तो उसको बोल दिया एंडो पैरासाइट। तो यहां से आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये तो बाहर दिख रहा है, इसको एंडो कैसे बोल दिया? तो इसके जो पार्ट होते हैं प्लांट के टिश्यूज सेल्स के बिटवीन तक इंटर कर जाते हैं, इसलिए इसको एंडो पैरासाइट बोल दिया। अब हम चलते हैं ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन की तरफ। तो ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन को अगर समझना है तो वैसे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, आसान वर्क है नहीं, ठीक है। ह्यूमन बींग जो होता है एक कॉम्प्लेक्स एनिमल होता है, तो उसके पास जो सिस्टम होगा वो भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा ना।
तो उस सिस्टम को बोलेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। इसमें दो पार्ट नजर आएंगे, एक तो पार्ट होगा एनिमल एलिमेंट्री कैनाल का, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, एसेसरी ग्लैंड का होता है। तो एलिमेंट्री जो कैनाल होती है उसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ग्लैंड की जब बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है, पेनक्रियाज है, एसेसरी ग्लैंड है, जो एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड होती है। तो ये तो एक जनरल सा व्यू हमने आपको दिखाया। अब जरा हम चलते हैं एक स्पेसिफिक डिटेल की तरफ कि ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है। तो ये पिक्चर इमेज आपकी स्क्रीन पे आ गई। इस पिक्चर इमेज से पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कर लिए कौन कौन से पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। एक तो यहां से माउथ से स्टार्ट किया और ऐसे मूव करते चले जा रहे हैं, ठीक है, मूव करते यहां तक आ गए, तो उसको क्या बोल दिया, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोल दिया, एलिमेंट्री कैनाल। तो इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, नंबर वन माउथ, ठीक है, माउथ की जो ओपनिंग होगी वो कहां पे होगी, ब्यूकल कैविटी में होगी, ठीक है। पॉइंट नंबर टू पे अगर चलते हैं तो ईसोफेगस मिलेगा, नहीं ईसोफेगस के पहले फेरिक्स मिलेगा, यहां पे के मेंशन नहीं दे रखा है। थर्ड नंबर पे चलेंगे तो ईसोफेगस आएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे चलेंगे तो स्टमक आएगा, स्टमक जब आपको ऑर्डर दिखा रहे हैं। फिफ्थ नंबर की बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स नंबर की बात करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, ठीक। ये एलिमेंट्री कैनाल का हमने डिफरेंट जो पार्ट होते हैं वो आपको दिखा दी। अब अगर हम ग्लैंड की बात करते हैं, क्योंकि इससे एसोसिएट ग्लैंड भी तो होंगी ना, तो वैसे तो इंपॉर्टेंट ग्लैंड टू ही होती है, लीवर होता है और पेनक्रियाज होता है, दो ही ग्लैंड होंगी। लेकिन जब हम बात करेंगे एसोसिएटेड, किसकी बात कर रहे हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें नंबर एक क्या आया, सेलाइवरी ग्लैंड। नंबर एक क्या आया, सेलाइवरी ग्लैंड आ गई। नंबर टू की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आ गई। और थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं तो उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल, क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोला जाता है। तो यहां तक हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब आप पिक्चर को विजुलाइज कर लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हम आपको ओरली सुनाई देते हैं, लाइनों को आप फॉलो कर लीजिएगा। माउथ की जब बात करते हैं तो एक स्मॉल सा स्लिट होता है, गैप होता है, जो ओपन हो जाता है कहाँ पे, बक्कल कैविटी के अंदर ओपन हो जाता है। तो बक्कल कैविटी जैसे ओपन होती है तो टीथ नज़र आते हैं, टंग नज़र आती है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड वैसे होती है लेकिन हिडन होती है माउथ के अंदर, बात समझ में आ गई। तो जो टीथ होते हैं यहाँ से अपना एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, क्या, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, डेंटल फॉर्मूले पे क्वेश्चन में एक होता है। तो टू टाइप के टीथ मिलते हैं, एक तो होंगे मिल्की टीथ, ठीक है, दूसरे कौन से होंगे, परमानेंट, कौन से होंगे, परमानेंट होंगे। तो मिल्की टीथ की जब बात करेंगे 2102/2102, आप ऊपर का ऐड करिए नीचे का ऐड करिए कितना जाएगा, 5/5 आ गया, दोनों को सम करिए 10 आ गया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया कितना आ गया, 20 टीथ होते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। परमानेंट वाले पे 21/23/2123 ऐड करोगे, 8/8=16 2=32 कितना आ गया, 32 टीथ होते हैं, ठीक है। अब टीथ के नेम तो बेसिकली आपको मालूम ही होंगे, इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होते हैं, ये फोर टाइप के टीथ हो गए, ठीक है। तो टीथ का वर्क क्या होता है, फूड को कट करना, टीयर करना, ग्राइंडिंग करना। वहीं पर टेस्ट लेने की जब बात आती है तो टंग का वर्क होता है फूड से टेस्ट लेना, ठीक है। और स्लाइवरी ग्लैंड से जो भी स्लाइवा रिलीज हो जाएगा तो उसको प्रॉपरली मिक्स करना, ये तो है कि नहीं, चलिए यहां तक की बात हो जाती है। तो स्लाइवरी ग्लैंड पे क्वेश्चन अपने आप ही आता है कि स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा तो रिलीज हुआ लेकिन वो फूड के डाइजेशन में करता क्या है। उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, सलाइवरी एमाइलेज, या फिर उसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। ये करता क्या है? इट कन्वर्ट स्टार्च, क्या करेगा? स्टार्च को कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू सुक्रोज। सुक्रोज में नहीं चेंज करता भाई, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। किसमें कन्वर्ट करेगा? स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। माल्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, इतनी बात तो हो गई किसके रिलेशन में? माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में। अब स्टमक पे जरा डिस्कशन करते हैं। तो स्टमक दिखता कैसा है? ऐसा दिखता ना, ये हमने आपकी स्क्रीन पे ये ड्रॉ किया। बैग लाइक, कैसा दिख रहा है? बैग लाइक होता है, हाईली मस्कुलर होता है, ठीक है। फूड की चर्निंग में हेल्प करता है, ठीक। दूसरी बात ये, इस स्टमक के अंदर होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो जूस निकलेगा ना, जैसा नेम है वैसा जूस का नेम हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस। क्या निकला? गैस्ट्रिक जूस निकला। ये बात ध्यान में रखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एंजाइम होगा, किस फॉर्म में? पेप्सिनोजन की फॉर्म में, ठीक है। पेप्सिनोजन की फॉर्म में होगा, यहां पे पेप्सिन लिखा हुआ है। इनफैक्ट होता क्या है, ये जो पेप्सिनोजन होता है, ये पेप्सिन में चेंज होगा बाद में। कौन करवाएगा? ये एसिल करवाएगा, ठीक है। एक और एंजाइम होता है, इसको क्या बोलते हैं? रेनिन। क्या बोलते हैं? रेनिन, ठीक है। और लाइपेज भी होता है। इतने एंजाइम होते हैं। अब तीनों के सभी के और क्या हो गए? एचसीएल क्या कर रहा है? ये किल द जम्स। एचसीएल का वर्क हो गया जम्स को किल करना, जो भी फूड के साथ हमारे आ जाते हैं। और स्टमक में मीडियम एसिडिक प्रिपेयर कर लेना। एसिड मीडियम प्रिपेयर करने का मतलब है एंजाइम जो भी होंगे इसमें वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज वर्किंग नहीं हो पाएगी प्रोटीन डाइजेशन की। तो पेप्सिन का वर्क क्या हो गया? प्रोटीन डाइजेशन, लेकिन कंप्लीट नहीं, पार्शियल, पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। और म्यूकस भी रिलीज होता है, तो म्यूकस का वर्क होता है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। किसके अगेंस्ट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे एंजाइम्स स्टमक की मस्कुलर वॉल को ही डैमेज कर दें। ये बात, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है चर्निंग। चर्निंग का मीन क्या होता है? फिजिकल डाइजेशन। क्या चल रहा है? फिजिकल डाइजेशन, जिसमें लार्ज जो फूड है वो कन्वर्ट हो गया पेस्ट लाइक अपीयरेंस में। कैसा हो गया? पेस्ट लाइक फेज में कन्वर्ट हो गया, इसको बोला चर्निंग। और जो पेस्ट लाइक अपीयरेंस निकल के आया है, इसको भी एक टर्म देते हैं, इसको बोलते हैं काइम बोलते हैं, ठीक है। वैसे आपके यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन में एक हो जाए, व्हाट इज काइम? तो पेस्ट लाइक फूड विद इन द स्टमक दैट प्रिपेयर आफ्टर चर्निंग इज कॉल्ड काइम। चलिए, इतनी बातें हमने आपको बताई। कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यह हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका ल्यूमेन जो होगा स्मॉलर होगा। ल्यूमेन कैसा होगा? स्मॉलर होगा। इसमें थ्री पार्ट नजर आते हैं, डोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर हम आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाएं, ये स्टमक हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये बच्चों हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। इमेज बनाना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, पेन टैब की हेल्प से आपकी स्क्रीन पर। तो जो सी शेप नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है? सी शेप। ये क्या है? डोडेनम। ये हो गया डोडेनम। मिडिल में जेजुनम हो गया। अगर हम यहां से लेके यहां तक की बात कर लें तो इसको बोल दिया जेजुनम। लास्ट में जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? इलियम बोलेंगे। यही इलियम क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन से जाके कनेक्ट हो जाता है। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज के अबाउट को दे रखा है। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि ये दोनों जो होते हैं ना, इसी के आसपास होते हैं। लिवर जो होता है लार्जेस्ट ऑर्गन, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी में कौन सा होता है? वैसे यहाँ पे ग्लैंड लिखना चाहिए था। अगर यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन लिख दिया फिर तो ये एरर है यहाँ पे,
ठीक है, लार्जेस्ट जब हम बात करेंगे ऑर्गेन की तो वो लिवर नहीं होगा, वो होगा स्किन। तो इसकी जगह पे आप ग्लैंड करिए। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर होती है। और इसका वेट कितना होता है? 1.5 kg इन एडल्ट। ठीक है, एडल्ट के केस में 1.5 kg का वेट होता है। वर्किंग की बात करिए तो वर्किंग क्या है? ये बाइल जूस को मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, ये एक एंजाइम लेस जूस होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ये मैन्युफैक्चर तो हो गया लीवर के अंदर, लेकिन मैन्युफैक्चर वो होने के बाद जाएगा कहाँ? इमीडिएट थोड़ी ना यूज हो जाता है। तो लीवर जैसे ऑर्गेन, अब बताते हैं आपको, ये लीवर है, सपोज दैट ये लीवर ऐसे करके ड्रॉ किया, और इसकी सरफेस पे एक पाउच होता है, ऐसे करके पाउच होगा ये। ठीक है, तो इस पाउच को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। देखिए यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। इसमें बच्चे कस कंफ्यूज होते हैं कि गॉल ब्लैडर प्रिपेयर करता है क्या बाइल जूस को? नहीं, उसको तो लीवर प्रिपेयर करता है ना। बाइल जूस को प्रिपेयर कौन कर रहा है? लीवर प्रिपेयर कर रहा है। स्टोरेज कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर कर रहा है। अब जब नीड होती है तो गॉल ब्लैडर स्क्वीज हो जाता है, रिलीज होके डोडेनम में आ जाता है। ये बात है लीवर की। अबाउट पेनक्रियास की बात करेंगे तो पेनक्रियास जो होता है वो स्टमक के ठीक नीचे होता है, और ये पेनक्रेटिक जूस को रिलीज करेगा, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होंगे जो फूड को डाइजेशन में करेंगे हेल्प। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमको दिख रही है। क्या दिख रही है? जैसे बाइल एंड पेनक्रेटिक जूस गो टू डिगोडेनम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बाइल जूस जो गॉल ब्लैडर में था और पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस था, ये जाते कहाँ पे? तो आपका आंसर आएगा डुओडेनम में रिलीज हो जाते हैं। किसके थ्रू रिलीज हो जाते हैं? एक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट। फिर से एक बार सुनिए, लीवर से बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, आया कहाँ पे? डुओडेनम में आया। पेनक्रियास से पेनक्रेटिक जूस रिलीज हो गया, आया कहाँ पे? डुओडेनम में आया। किसके हेल्प से आया? एक कॉमन डक्ट होती है जिसको बोलते हैं हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब बाइल जूस आएगा तो लेकिन करेगा क्या? सबसे पहला वर्क होता है फैट के लार्ज ग्लोबुल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना। इस प्रोसीजर को क्या बोलोगे आप? इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन में लार्ज फैट का मॉलिक्यूल स्मॉल फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोसेस क्या बोल रहे हैं? इमल्सिफिकेशन। क्या बोल रहे हैं? इमल्सिफिकेशन बोल रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? लाइपेज। जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक ये लाइपेज एंजाइम नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा, और अगर डाइजेस्ट करता है तो फैट का मॉलिक्यूल बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज किसने कर दिया? लाइपेज एंजाइम ने कर दिया। ठीक, ये बात समझ आ गई। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो पेनक्रेटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन को एमाइनो एसिड में चेंज कर देंगे। तो दो तीन एंजाइम आपको नजर आ रहे हैं, एक तो लाइपेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, कामोट्रिप्सिन एंजाइम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब होता ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर क्या होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको विली बोला जाता है। मीन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होंगे। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? विली। प्लूरल वर्ड होता है विली, नहीं तो अगर सिंगल की बात करते हो तो उसको क्या बोलते हो? विलस बोलते हैं। ठीक है, तो विलस क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो पाता है डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिंगर लाइक प्रोडक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं जो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो जाता है। चलिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। बाकी आपकी लर्निंग पे डिपेंड करेगा, आप कैसे अटेंशन दे के सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान दे के सुनेंगे हमारी बातों को तो हमें नहीं लगता आपको कोई डाउट आने वाला है। अब चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, कहने को तो लार्ज है लेकिन स्मॉलर होती है, लेकिन वाइडर होगी। यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है लेकिन डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन होता ही नहीं यहाँ पे, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक
ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, अनडाइजेस्टेड जो फूड होगा ये रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है और उसके बाद फिर इसे एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू द एनस। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए डाउट। अब चलते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजी की तरफ, और नेक्स्ट फिजियोलॉजी क्या है, रेस्पिरेशन। तो बच्चों रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर रहा है फूड को, फूड को यूटिलाइज कर रहा है। क्यों, एनर्जी उसे लेनी है नहीं भाई। ग्लूकोज अगर है, C6H12O6 वाला केस है, अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो गया, प्लस एनर्जी बन जाएगी और इस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट होता है ना। तो रेस्पिरेशन का पर्पज ही होता है क्या, एनर्जी ऑब्टेन करना। तो रेस्पिरेशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब आपके यहाँ क्वेश्चन में एक होता है साइट ऑफ रेस्पिरेशन, एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, कौन सा सेल ऑर्गन होता है, तो आप बताएंगे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है जहाँ पे एटीपी जनरेट होती है, स्टोर भी होती है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपने पढ़ रखा है ना पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो पढ़ा नहीं पढ़ा है। देखिए पॉइंट पे लिखा है एटीपी स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में और जब कभी भी नीड होती है, व्हेन एवर वी नीड वी फील नीड, देन इट रिलीजेस एनर्जी आफ्टर ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई सिंपल टर्म में। अब आते हैं टाइप की तरफ। तो रेस्पिरेशन के टू टाइप हो गए, एरोबिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला, एनोरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला। तो अब आप एग्जांपल भी देख लीजिए, पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है, ह्यूमन और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस वाला रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ईस्ट, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई, ईस्ट इज अ काइंड ऑफ फंजाई, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन की एब्सेंस वाला रेस्पिरेशन चल रहा है। अब इन दोनों पे डिटेल लेने चलते हैं, तो एग्जाम्पल की बात हो गई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास डिटेल अवेलेबल है, क्या बोला जा रहा है, जब कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो हम बोलते हैं एरोबिक। ठीक है, यहाँ पे पाइरूविक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम दूसरे केस में चलते हैं, दूसरे केस का मतलब है एन एरोबिक केस में अगर चलते हैं, तो एन एरोबिक केस में क्या बताया जा रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस, सबसे पहली बात ऑक्सीजन की एब्सेंस, और यहाँ पे जो पाइरूविक एसिड है ठीक है, आइदर कन्वर्टेड इनटू एथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, वहां क्या बोल रहे थे, पाइरूविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, पाइरूविक एसिड कन्वर्ट किस में हो रहा है, C2H5OH, एथाइल एल्कोहल में या फिर लैक्टिक एसिड में, वो डिपेंड करेगा कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एथिल एल्कोहल जो होता है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बन गया ईस्ट और बैक्टीरिया के केस में। यहीं से देखिए आपका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा कि एथिल एल्कोहल एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ बन रहा है, तो आपको याद रखना है ईस्ट और बैक्टीरिया के केस में बनता है, लेकिन लैक्टिक एसिड की जो प्रिपरेशन चल रही है वो कहाँ पे चलती है, हमारी मसल्स और सब माइक्रोब के केस में। ठीक है, हमारी मसल्स और सब माइक्रोब के केस में चलता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ हाँ तो हम क्या बोल रहे थे आपको, हाँ बच्चों क्या बोल रहे थे, हमारी जो मसल्स होती हैं ठीक है, ये टायर्ड क्यों हो जाती हैं, इतनी टायर्डनेस आती कहाँ से। हाँ तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, व्हाई डू वी गेट पेन इन आवर लेग मसल्स व्हेन वी आर रनिंग, तो इस बात को हम लोग कल समझते हैं। आज के लिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फॉलो करने के लिए, देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।